हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यू एस क्यूब टेक। डब्ल्यू एस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो फ्लोर प्लानिंग है वो यहाँ पर चल रही है अभी यहाँ तक, ठीक है। लेक्चर नंबर वन के अंदर हमने देखा कि फ्लोर प्लानिंग का जो बेसमेंट है वो कैसे बनाया हमने। सेकंड चीज में हमने देखा कि डोर और साथ साथ हमने फर्नीचर को किस तरह से इंस्टॉल किया। आज हम यहाँ पर विंडो प्लस यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, रोड सिस्टम्स है वगैरह, आपके पास जितना भी कंप्लीट सेक्शंस है आज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर जो डायमेंशन है वो सब चीजें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका जो यहाँ पर सेक्शंस है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लियर। तो हम इसे बनाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए इसके अंदर जो 50% पार्ट है वो हम यहाँ पे बना चुके हैं, तो अब बाकी का जो 50% पार्ट है वो यहाँ पे फटाफट बनाते हैं, उसको फिनिश करते हैं, क्लियर। चले ऑटोकैड के अंदर। तो ऑटोकैड के अंदर हम पहुंच चुके हैं, ये हमारा फ्लोर अभी रेडी है। अब देखिए यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर विंडो बनानी पड़ेगी। तो विंडो के लिए सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर इसके पास पास की जो भी स्ट्रीट्स है वो कैसे जा रही है, पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसके बाद में इसके जो रोड सेक्शन है वो उसको बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीट्स बनाने लाऊ तो स्ट्रीट्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करूंगा। और देखिए मैंने यहाँ पर रोड सेक्शन के नाम से एक यहाँ पर लेयर बना रखी है जिसका कलर अभी चूज कर लेते हैं, और कलर को चेंज करके मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ, क्लियर। उसको सेट करंट और ओके कर देते हैं, क्लियर। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर लेयर के हिसाब से यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रोड सेक्शन बनाने वाले हैं, सॉरी रोड सेक्शन बनाने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रोड सेक्शन। तो देखिए आपके पास जो यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है, क्लियर, तो आगे से आपके पास 3 फुट के अप्रोक्सीमेट गैप रहता है। तो पहले वो क्लियर कर देते हैं कि हमारे जो रोड है वो यहाँ से 3 फुट की गैप की रहेगी। यस, 3 फीट की गैप के ऊपर मैंने यहाँ पर रोड बना ली है, क्लियर। अब मुझे यहाँ से रोड बनानी है तो मैं रोड का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन चालू करता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करूंगा और ऑर्थो को ऑन कर देते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं सिंपल सी एक रोड यहाँ तक आई, ओके। और ये इसके ऊपर मैं बात करूँ फिर से लाइन कमांड के ऊपर से, तो आगे भी आपके ऊपर भी कोई और मैप होगा, क्लियर। बाकी एक्चुअल में रोड इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप यहाँ पर यदि विंडो क्रिएट करें तो विंडो किस साइड से आपको यहाँ पर ओपन रखनी है वो चीज समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से भी आप मान लीजिए 4 फीट की आपके पास यहाँ पर गली है, मतलब छोटी सी यहाँ पर है गली है, यहाँ पर 6 फीट की गली कर देते हैं इसको, ओके। तो ये ज्यादा बड़ी नहीं है एक्चुअल में, ओके। तो 6 फीट के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर, ओके। लाइन कमांड का यूज करते हैं यहाँ पर और आपके जो रोड सेक्शन है उसको बना लेते हैं। देखिए रोड सेक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पर मल्टी लाइन कमांड का भी यूज कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर लाइन कमांड का यूज कीजिए ताकि आपको यहाँ पे क्लियर डायमेंशन आप डाल सके, ओके। 12 फीट की यहाँ पर रोड बना लेते हैं इस तरह से, क्लियर। अब मैं यहाँ पे लाइन कमांड का यूज करूंगा और यहाँ से अप्रोक्सीमेट लाइन लेके इस तरह से, इसको यहां से 2 फीट, एक सेकेंड, ये पहले 2 फीट का गैप और फिर उसके बाद में आपके पास 3 फीट की गली होगी। 2 फीट का गैप है आपके पास, उसके बाद आपके पास 6 फीट की 4 फीट की गली है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो हाउस है उसका भी 2 फीट का गैप है, तो हम उसको भी बना लेंगे, ओके। और फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ से एक लाइन बना लेंगे ताकि आपकी जो रोड है वो कंप्लीट हो जाए, ओके। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो रोड है वो यहाँ बन चुकी है, ओके। जो बाकी बच गया है उसको मैं ट्रिम कमांड के थ्रू ट्रिम कर दूंगा यहाँ से। तो एक तो ये चीज है आपके पास, इसको ट्रिम करना है, बात करें इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने सेलेक्ट किया लेट सेलेक्ट सेक्शन डिलीट सेलेक्ट सेक्शन डिलीट एंड सेलेक्ट सेक्शन डिलीट, ओके। अब मैं इसको भी एक्सट्रूड कर देंगे इस दोनों को, ओके। तो कुछ इस तरह से आपके जो रोड है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये आपके पास रोड सेक्शंस हो गया है जिसके अलोंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रोड है उसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लो। एक्सटर्नल रेफरेंस लाइन को यूज करते हुए
ओके, तो ये आपकी जो लाइन है वो बन गई है, क्लियर। अब आप यहां से सेंटर लाइन भी बना सकते हैं, तो मैं सेंटर लाइन कमांड का यूज करूंगा, और सेंटर लाइन कमांड के लिए मैं यहां पर देखिए एनोटेशन में जाऊंगा, सेंटर लाइन कमांड को चूज करूंगा, जो भी आपकी लाइन सेक्शन है आप उसे सेलेक्ट कर लें, कि आपके पास फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, तो इस तरह से आपके पास जो सेंटर लाइन है वो आपके पास बन जाएगी, क्लियर। यदि आप इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके सेंटर लाइन के लिए आप इसे चूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं तो आप उसे भी चूज कर सकते हैं, क्लियर। तो मैंने सेंटर लाइन के लिए चूज कर ली है। अब देखिए बेसिकली बात करूं तो देखिए मेरे पास जो रोड्स है बाकी वाली उनके लिए भी मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरी सेंटर लाइन बन चुकी है इस तरह से, क्लियर। उसके लिए बात करूंगा यहाँ पे फिर से सेंटर लाइन के लिए, तो ये मेरा फर्स्ट लाइन, ये मेरी सेकंड लाइन, इस तरह से सेंटर लाइन, ओके। नेक्स्ट फिर से सेंटर लाइन, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद ये सेलेक्ट करके ये मेरी सेंटर लाइन बन चुकी है। तो इस तरह से मेरी जो रोड सेक्शंस है वो पूरा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे विंडो बनानी है सबसे पहले, तो विंडो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो विंडो के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा विंडो सेक्शंस है वहां पे मैं क्लिक करूंगा, और इसकी विंडो का जो कलर्स है इसको यहाँ पे कलर दे देंगे हम विंडो के लिए। तो विंडो के लिए हम यहाँ पर कलर जो दे रहे हैं वो यहाँ पे मैं रेड कलर को चूज कर रहा हूँ, और उसको सिंपल सा ओके कर रहा हूँ। अभी ये विंडो मुझे कहाँ कहाँ देनी है, तो देखिए आपके पास जो यहाँ पर गली है, मतलब यहाँ पर बात करें स्ट्रीट्स है, वहां आप विंडो दे सकते हैं बेसिकली। तो देखिए बेसिकली बात करूँ तो एक विंडो मुझे यहाँ देनी पड़ेगी, नेक्स्ट विंडो यहाँ पर मैं टॉयलेट्स के अंदर विंडो दूंगा, एक दूसरी यहाँ पर एक और टॉयलेट्स के अंदर विंडो दूंगा, एक यहाँ पर भी विंडो दे सकते हैं, क्लियर। तो ये तीन चार विंडो यहाँ दे सकते हैं। प्लस बात करें तो इस हॉल के अंदर आपके पास उस तरफ से कोई मकान नहीं है, मतलब पीछे की तरफ आपके पास एक और बिल्डिंग है, तो वहां पर हम विंडो नहीं देंगे। और देखिए यहाँ पर ये जो किचन एरिया बनाए हमने यहाँ पर, तो यहाँ वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन चैम्बर्स बनाएंगे, क्लियर। उसका वेंटिलेशन चैम्बर्स का हम यूज करेंगे। तो अब देखिए विंडो बनानी है हमको सिंपल सी, तो विंडो कैसे बनाई जा सकती है, तो विंडो अपने हिसाब से आप साइज ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात करूंगा यहाँ पर, आप यहाँ पर लाइन कमांड का यूज कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो बीच का गैप है ये हमने यहाँ पर रखा था एक चिल्न, मैं बात करें तो ये आपके पास 10 फीट का है, क्लियर। तो आपको यहाँ पर 10 फीट के लिए विंडो उसके हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, ओके। तो आपको क्या करना है, लाइन कमांड का यूज करना है, तो मैंने लाइन कमांड का यूज किया। अब देखिए आपने जो यहाँ पर 10 फीट का लिया था, तो आपको 10 फीट का आपको वो 10 इंचेस का रखना है यहाँ पर, यस। मैं बात करूँ 10 इंचेस की एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद बात करूँ आपको जितने साइज की विंडो रखनी है उतनी साइज की रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये है मेन बेडरूम है हमारा, इस मेन बेडरूम के अंदर हम विंडो काफी अच्छी बनाएंगे, बड़ी वाली विंडो बनाएंगे, तो हम यहाँ पर 6 फीट की विंडो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 फीट की इंच विंडो रखने वाला हूँ। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ आपके पास 10 इंचेस की विंडो है, तो वो 10 इंचेस की विंडो और कंप्लीट करके सी क्लोज कर देते हैं। तो ये आपके पास विंडो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और कॉपी कमांड का यूज करूंगा, यस, सीओ कॉपी कमांड का यूज किया। आपके पास ये लाइन है इसको चूज किया, और आपने यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे देना है, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यूनिट्स दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यूनिट देखिए क्या करना है, हम इंचेस के अंदर लेंगे बेसिकली बात करें। तो आपके पास 6 फीट है, तो मैं यहाँ पर देखिए 10 इंचेस का गैप ले लेता हूँ, क्लियर। तो आपके पास एक इस तरफ आ चुका है, यस। बात करूँ यहाँ पर, तो आप ऑफसेट कमांड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑफसेट के लिए आप यहाँ पर डिस्टेंस डाल सकते हैं, ऑफसेट डिस्टेंस डाल दीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से प्रेस कर दीजिए, ओके। फिर यहाँ पर लाइन कमांड का यूज कीजिए, और आप अपने अकॉर्डिंग जैसी चाहे वैसी आप विंडो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इस टाइप की आप विंडो क्रिएट की है, आप चाहें जैसी विंडो को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए बेसिकली बात करें तो ये जो विंडो आप यहाँ पर एडजस्टेबल करना चाहते हैं ये आपके एग्जैक्ट सेंटर में होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और फिर उसके हिसाब से आप इसको मूव कराना पड़ेगा। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लाइन कमांड का यूज करूंगा, और लाइन कमांड का यूज करते हुए तो ये आपके पास लाइन है, इसके सेंटर लाइन में आपको इसको मूव कराना है। तो मैं मूव कमांड का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और इसका जो सेंटर मार्किंग है उसको लेते हुए देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर मार्किंग से मैच करूंगा यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट का सेंटर मार्किंग, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं, ओके, ताकि जो विंडो है आपके पास एग्जैक्टली सेंटर में बने, ओके। तो इस तरह से एक विंडो बन चुकी है। अब यहाँ पर मेरे को वेंटिलेशन के लिए विंडो चाहिए, तो ये आपके पास 2 फीट या 1 फीट की भी हो सकती है, तो आप इसके अंदर जो चाहे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 1 फीट की या फिर 1.5 फीट की यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ले सकता हूँ, 1.5 फीट की यहाँ पर विंडो ले सकता हूँ। तो यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करूंगा, लाइन कमांड का यूज करते हुए देखे आपके पास यहाँ पर ऑर्थो को ऑन करना है, 10 इंचेस की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद बात करें यहाँ पर इस तरफ, तो आप देखिए यहाँ पर आपको केवल 1.5 इंचेस की यहाँ सॉरी आपके पास 1.5 फीट की आपको लेनी है यहाँ पर, तो 1.5 की ले ली मैंने यहाँ पर। उसके बाद बात करो 10 इंचेस की,
तो मैंने 10 इंचेस की यहाँ पर बढ़ा लिया, उसके बाद मैं सिर्फ ऐसा क्लोज करूंगा, तो इस तरह से मेरे पास ये बन चुका है। ओके, उसके बाद बात करूँ तो मुझे फिर से इसके अंदर कॉपी कमांड का यूज करना पड़ेगा या ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं, तो ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे बेसिकली। और उसके बाद मैं बात करूंगा अंदर वाला जो गैप है, इस बार मैं सिर्फ 2 इंचेस का दूंगा यहाँ पर स्केप ऑफसेट के लिए, वो कमांड 2 फीट का लेंगे, यहाँ पर 2 इंचेस का लेंगे, 2 इंचेस के लिए मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मेरा जो वी ऑब्जेक्ट है मैंने उसको सेलेक्ट किया, इस तरफ लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इस तरफ कर दिया एंटर। फिर उसके बाद लाइन कमांड को यूज किया, लाइन कमांड को यूज करते हुए देखें इसके मिडल सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ से यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से आपके पास विंडो रेडी हो चुकी है। अब बात करें बेसिकली तो मुझे इन दोनों के बीच के सेंटर में करना है यहाँ पर, तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखें यहाँ पर ये सेंटर ले लिया। उसके बाद तो फिर से मुझे यहाँ पर लेना है, तो मैंने यहाँ पर फिर से भी एक सेंटर मार्किंग कर दी। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर, तो देखिए बाथरूम की जो विंडोज होती है वो ऑलमोस्ट स्मॉल होती है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए आपका जो इसका सेंटर पॉइंट है उसको लेते हुए आपके पास जहां आपको प्लेस करना है वहां आप इसे प्लेस कर दीजिए। तो इसका जो सेंटर मार्किंग है, जैसे यहाँ पर है सेंटर मार्किंग, दूसरा मैं बात करूँ ये रहा आपके पास सेंटर मार्किंग, तो इसलिए मैंने रेफरेंस लाइन लेता रहता हूँ साथ में ताकि जो सेंटर मार्किंग है वो आपको मिल सके। क्लियर। अब उसके बाद में आप इसको सेलेक्ट करें, डिलीट करें, सेलेक्ट करें, डिलीट करें, तो इस तरह से आपकी जो विंडो है वो रेडी हो चुकी है। काम करते हैं इसको थोड़ा सा मूवमेंट करा देते हैं अपवर्ड में। ओके, ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए इसको अपवर्ड की तरफ मूव कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर जो ब्लॉकिंग है वो आपको थोड़ी सी दिखे। क्लियर। तो कुछ इस तरह से हो चुका है। ओके, और ये जो सोफा है, ये जो बेड सीट है, इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करा देते हैं। ओके, अब देखिए ये आपके पास रूम है, इस रूम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर डोर देनी है, मतलब विंडो देनी है, तो मैं यहाँ पर क्या 4 फीट की यहाँ पर या फिर 3 फीट के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आप विंडो ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 फीट की विंडो लेने वाला हूँ। तो उसके लिए लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पर मैंने 10 इंचेस की यहाँ पर गैप दिया है जो कि हमारे पास विंडो की गैप है। यस, उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर, तो आपने 3 फीट की यहाँ पर विंडो बनानी है। उसके बाद फिर से मुझे 10 इंचेस का फिर से गैप देना है। ओके, और उसके बाद क्लोज के लिए सी। क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑफसेट कमांड का यूज करूंगा। ऑफसेट कमांड का यूज करते हुए देखिए डिस्टेंस दे दी है मैंने 10 इंचेस का। ओके, और इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ इस तरफ और इसको सेलेक्ट करते हुए इस तरफ। क्लियर। उसके बाद लाइन कमांड के लिए एल एंटर और यहाँ से मार्किंग करते हुए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जस्ट मुझे सेंटर में मुझे यहाँ पर देना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, लाइन कमांड का यूज करूंगा, इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे चूज करूंगा, एंटर प्रेस। अब मैं मूव कमांड का यूज करूंगा, सेलेक्ट एंटर, एम एंटर। उसके बाद देखिए आपका जो सेंटर पॉइंट है उससे ले लीजिए और आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है उसके एग्जैक्ट सेंटर में इसको मूव कर दीजिए। क्लियर। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये तीनों विंडो बन चुकी है, तो इस तरह से आप और भी विंडो बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर वेंटिलेशन चैम्बर बना सकते हैं। अब देखिए ये भी विंडो का पार्ट है, तो आप यहाँ पे विंडो का पार्ट लेते हुए यहाँ पे वेंटिलेशन चैम्बर्स को शो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल सा लाइन कमांड का यूज करूंगा और ये मेरा वेंटिलेशन चैम्बर्स होने वाला है जो कि आपके पास जिसे आप चिमनी बोलते हैं, यस वो भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, चिमनी बेसिकली बोल सकते हैं। तो ये आपके पास चिमनी हो चुकी है जो कि मैंने रेड रेड कलर की शो कर रखी है। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास जो भी एयर गैस है, यस फ्यूल गैसेस है, वो सब बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर बना पा रहे हैं। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पर विंडो किस तरह से मेकिंग की जाती है, प्लस हमने देखा कि यहाँ पर वेंटिलेशन चैम्बर को किस तरह से शो किया जा सकता है, तो हमने वो सब चीजें शो कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो अगला पार्ट है आपके पास इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो हमने इलेक्ट्रिकल को चूज किया। इसके कलर को चूज कर लेते हैं पहले। ओके, तो मैं इसके कलर को चूज कर रहा हूं और कलर को हम यहाँ पर ब्लू कलर का शो करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल का कलर मैंने ब्लू कलर का शो रखा है। इलेक्ट्रिकल का मतलब बेसिकली बात बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिकल का मतलब है यहाँ पर आप फैन सिस्टम का देना चाहते हैं बेसिकली, इसके अलावा लाइटनिंग काम करना चाहते हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए मैं लाइट को शो करूंगा। तो लाइट के लिए मैं सिंपल सा सर्कल कमांड को शो करूंगा और सर्कल कमांड को लेते हुए देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना लूंगा। यस, तो ये मेरा एक लाइट सिस्टम हो चुका है। अब मैं इसको लेके बाहर ले लेते हैं, तो इसको पकड़ता हूँ मैं और यहाँ पे बाहर रख लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे लाइन कमांड के थ्रू एरो बना दूंगा ताकि हमको ये बल्ब के शो करता रहे कि हाँ ये हमारा बल्ब है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ओके, एक काम करते हैं, इससे थोड़ा सा छोटा और सर्कल बना देते हैं ताकि वर्किंग कोई आसानी हो। क्लियर। तो आप यहाँ पर इसको शो कर सकते हैं बेसिकली,
ओके, फिर आप लाइन कमांड का यूज करें। लाइन कमांड का यूज करते हुए देखें, मैंने इसको हल्का सा दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एरे कमांड का यूज करने वाला हूँ। तो ए आर एंटर किया एरे कमांड, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, तो मेरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने पोलर एरे को सिलेक्ट किया, ये मैंने सेंटर मार्क दे दी। उसके बाद ये नंबर ऑफ यहाँ पर दे देते हैं, आप यहाँ पर 10 कर दीजिए, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास बल्ब, क्लियर। अब बेसिकली बात करें, यहाँ पर आपको फैन भी देना पड़ेगा, तो फैन बना लेते हैं यहाँ पर सेम टू सेम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इधर ही इसी सर्कल से, यस, इतने ही मार्किंग का जो सर्कल्स है मैं यहाँ से लूंगा, और जस्ट मैं इसको कॉपी, या फिर एक काम करते हैं सिंपल से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए कॉपी कमांड, इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, क्लियर। तो इस तरह से ये आपका फैन बनने वाला है। अब देखिए, फैन के लिए आपको तीन वो आपको चाहिए ब्लेड्स चाहिए, तो तीन ब्लेड्स बना लेते हैं फैन की। तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा बेसिकली, और इसके ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सेंटर लेते हुए, और ये लगभग 3 फीट का फैन बना लेते हैं, क्लियर। तो इस तरह से बन चुका। बेसिकली बात करूं तो मैं लाइन कमांड का फिर से यूज करूंगा, और यहाँ से ये टोटल जो गैप है इन दोनों का बीच का जो गैप है वो मैं 6 इंचेस कर देता हूँ, 6-9 इंचेस कर देते हैं, 4.5 इंचेस का हो गया है बेसिकली, ओके। ये 3-3 6-6-3 इंचेस, ओके, एंड 6 इंचेस, ओके। तो ये बन चुका है आपके पास। अब बात करें बेसिकली, तो यहां से मुझे इसको कट करना है, तो मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा, और इसको लेते हुए देखिए बेसिकली बात करें तो ओके, तो ये आपके पास फैन लगभग बन गया है। उसके बाद मैं एरे कमांड का यूज करूंगा, एरे के लिए एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंटर, पोलर एरे, आपके पास जो पोलर कैन सेंटर है उसको दे दिया आपने यहाँ पर, और नंबर ऑफ ब्लेड्स दे देते हैं 3, एंटर। तो ये नंबर ऑफ ब्लेड्स हो गए 3, क्लियर। उसको कर देते हैं क्लोज, ओके। इस तरह से आपका जो फैन है वो भी रेडी हो चुका है। उसको एक ब्लॉक बना लेता हूँ मैं सिंपल सा, तो उसके लिए बी एंटर करूंगा, ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए बी एंटर किया यहाँ पर। ब्लॉक का नाम मैंने डाल दिया है यहाँ पर फैन, यस। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर पिक पॉइंट, तो मैंने पिक पॉइंट लिया, और इसके सेंटर पॉइंट को मैंने पिक पॉइंट बना दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, एंटर करना है सिंपल सा, और उसके बाद सिंपल सा ओके कर देना। तो एक ये ब्लॉक बन चुका है। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पे बी एंटर, ब्लॉक दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पर देखिए बल्ब बी दे देता हूँ इसका नाम, ठीक है, बल्ब के लिए, ओके। इसको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद बात करें ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, एंटर प्रेस किया सिंपल सा, और ओके कर दिया। तो कुछ इस तरह से मेरा जो ब्लॉक्स है वो रेडी हो चुका है, ओके। अब देखिए बेसिकली फैन आपको कहाँ कहाँ देना है ये आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करें तो आपकी जो लेयर्स बन रही है उसके अंदर मैं फैन को इंसर्ट करने वाला हूँ। तो उसके बाद में देखिए आपके पास यहाँ पर फैन के नाम से भी ब्लॉक बन चुका है। जैसे आपने इतने सारे ब्लॉक्स बना रखे हैं, इतने सारे ब्लॉक्स को यूज कर रखा है, वो सारे के सारे ब्लॉक्स मिल चुके हैं आपको यहाँ पर। तो आप जैसे जैसे चाहें वैसे वैसे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ फैन का एक ब्लॉक है, तो मुझे फैन एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर देना है, क्योंकि रीजन क्या है, यदि यहाँ पर गेस्ट एरिया है तो गेस्ट एरिया के अंदर मुझे एक फैन जरूरी है। दूसरा बात करूंगा यहाँ पर ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, फिर से मुझे एक फैन चाहिएगा, और यहाँ पर जब हम डाइनिंग टेबल की तरफ बैठेंगे तो डाइनिंग टेबल की तरफ भी मुझे एक फैन चाहिएगा। तो एक काम करते हैं, इधर एक सेंटर में एक और फैन लगा देते हैं, यस। देखिए मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आप एक रूम के अंदर 2 से ज्यादा फैन नहीं लगाते, तो आप उसके अंदर चाहें तो आप लगा सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पर नहीं भी लगा सकते, क्लियर। उसके बाद आप चाहें यहाँ एक फैन लगाना है तो यहाँ एक फैन लगा सकते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करें तो आपको यहाँ पर जो पीछे वाला जो एरिया है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली बात करें तो आपने कौन कौन सी चीजें आपने जो यूज करके है उनको यहाँ पर आप डिसेबल कर सकते हैं। बेसिकली बात करें आप जिनको नहीं देखना चाहते उनको आप यहाँ पर फ्रीज कर दीजिए। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर डोर को फ्रीज करना है, डोर को फ्रीज कर दिया मैंने यहाँ पर, ओके। डायमेंशन अभी यूज नहीं किया, 0 लेयर को आपने यूज करका है तो 0 लेयर आपकी चली जाएगी। उसके बाद बात करें आपके पास टैक्स वॉल, वॉल की जो है आपके पास वो सारी गायब हो जाएगी, यस। तो वॉल वगैरह चाहिए हमको, तो बेसिकली हमें इसमें से रिक्वायरमेंट क्या क्या नहीं है। एक तो चीज है, हमें फर्नीचर की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो मैंने सारे फर्नीचर सटा दिए,
क्लियर। और हमें डोर की जरूरत है तो मैंने अभी डोर को यहाँ पे वापस रख दिया है। ओके, और अब बाकी की जो चीजें हैं हम उसको यूज कर देते हैं। तो एक तो फैन यहाँ लगा दिया, एक फैन यहाँ लगा लिया है मैंने। ओके, और एक फैन और लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल सा मूव कमांड की तरह इसका ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी मूव कर लेते हैं। ओके, ताकि यहाँ से जो एरिया है वो गायब हो जाए। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिया और F8 का यूज करते हुए ठीक है यहाँ पर भी एक फैन लगा दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर बाकी की जो लेयर्स है आप उसे फ्रीज करते हुए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फैन सिस्टम को लगा सकते हैं। ओके, अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसको तो रिलेट कर देता हूँ और मेरी जो लाइट सिस्टम है उसको यहाँ पे लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट लाइट यहाँ दूंगा, उसके बाद मैं सिंपल सा क्या करूंगा, कॉपी कमांड का यूज करूंगा। कॉपी कमांड का यूज करते हुए देखिए, ताकि यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम के लिए हर जगह प्लेस कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए एक लाइट यहाँ दे दी मैंने। अब मैंने यहाँ पर ऑर्थो को ऑन करना है, तो ऑर्थो को ऑन करते हुए हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ताकि हमारा जो लाइट सिस्टम है वो एक्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ। ओके, तो इस तरह से हमारा बन चुका है। अब बात करूंगा यहाँ पर, तो इसको कर देते हैं स्किप। फिर मैं लेता हूँ कॉपी कमांड, और कॉपी कमांड का यूज करते हुए मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। और ऑर्थो को ऑन करते हुए ठीक है इस तरह से। ओके, फिर से मैं कॉपी कमांड का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर, इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर भी एक और एड दे। क्लियर, तो कुछ इस तरह से आपके पास सारी लाइट आ चुकी है। अब बात करें आपको यहाँ पे भी इनसाइड आपको लाइटें देनी है, तो बेसिकली आप यहाँ पर कॉपी कमांड का यूज करें, जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करें, और इसके अंदर आप चाहें तो दो लाइट्स दे सकते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे ऑर्थो को ऑफ करूंगा, ऑर्थो को ऑफ करते हुए देखिए एक लाइट यहाँ पे दूंगा जहाँ पे हमारे पास वर्किंग होने वाला है बेसिकली। तो एक ये वर्किंग एरिया है और दूसरा ये वर्किंग एरिया है। बात करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर हम टू लाइट्स देंगे सिस्टम, तो ये मैंने टू लाइट सिस्टम दे दिया। अब बात करें मेन रूम है आपके यहाँ पर, वन एंड टू एंड थ्री। ओके, बाथरूम के अंदर आप एक लाइट दे सकते हैं। उसके बाद बात करूं कंट्रोल जेड, ओके, तो आई थिंक सब जगह लाइटें आ चुकी है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पे भी मुझे लाइट्स देनी है, तो बेसिकली मैं कॉपी कमांड का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से जहां जहां आपको प्लेस करनी है वहां वहां अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट सब जगह मैंने यहाँ पर लाइट्स दे दी है। अब यहाँ पर मुझे क्या है, वायरिंग सिस्टम देना पड़ेगा। तो वायरिंग सिस्टम के लिए मैं SP लाइन का यूज करूंगा ताकि मेरे जो वायरिंग सिस्टम है वो यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे SPL एंटर करते हैं, SP लाइन मिल जाएगी आपको यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर चाहे जैसे पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सेकेंड पॉइंट, उसके बाद बात करूँ तो मुझे यहाँ पे जाके इसको एंड करना है, तो यहाँ पे मैं इसको एंड कर सकता हूँ। क्लियर, और ये जो लाइट सिस्टम है, ये जो वायरिंग है, इसको थोड़ा सा मूवमेंट कर देते, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ जाता है। यह SP लाइन को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, ओके, SPL एंटर, और देखिए ये मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, और यहाँ मेरा स्विच एंटर। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट, ओके, तो इस तरह से ये मेरा लाइन सिस्टम हो गया। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और इसके फिटिंग एरिया को कंट्रोल करेंगे। ओके, ओके, अब देखिए यहाँ पर मुझे फैन को भी कंट्रोल करना है, तो मैं यहाँ पर SP लाइन को यूज करूंगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये सेकेंड लाइन सेलेक्ट किया,
उसके बाद मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ये सब आपके पास हो गया। ओके, अब देखिए बेसिकली बात करें तो जहां आपने सारे कनेक्ट किए हैं वो आपके पास स्विचिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर और चीजें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर SVLAN के थ्रू आप जितने चाहे उसे वायरिंग कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको एक चीज समझा दी है किस तरह से वायरिंग होने वाली है, तो आप इस हॉल के अंदर वायरिंग कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो अब जो बाकी की चीजें हैं उसको अनफ्रीज कर देते हैं वापस। तो इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर डोर कैसे बनते हैं, प्लस इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखा यहाँ पर, और हमने यहाँ पर बेसिकली देखा कि किस तरह से आप यहाँ पर अपना एक खुद का ब्लॉक क्रिएट करके लाइटिंग सिस्टम वगैरह आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली बात करें तो ये आपका यहाँ पर मूवमेंट कमांड का यूज करना पड़ेगा। मूव कमांड का यूज करेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो एम कमांड का यूज करूंगा। बेसिकली बात करूँ, ये जो आपके पास लाइट सिस्टम है वो आपके पास एक्चुअल में रॉन्ग जगह प्लेस हो चुका है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, जो सब सिस्टम है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, और आप इसको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बात करूँ यहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बेसिकली बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी जो हाउस की डिजाइनिंग है, इलेक्ट्रिकल की बातें आपकी बात करें, यहाँ पे डोर विंडो की बात करें, और उसके बाद बात करें वेंटिलेशन की बात करें, पार्किंग बात करें, उसके बाद आपके पास डिजाइनिंग बात करें, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? अब देखिए बात करें यहाँ पर डायमेंशन के बारे में कि जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डायमेंशन देनी पड़ेगी, जिस डायमेंशन का यूज करते हुए आपका जो आर्किटेक्चर्स हैं, यस सिविल इंजीनियर्स हैं, वो इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बेसिकली डायमेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन के लिए मैं डायमेंशन टूल का यूज करूंगा, और डायमेंशन टूल्स के लिए मैं यहाँ पर पहले डी एंटर करके इसकी जो डायमेंशन स्टाइल है उसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, डी एंटर करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा डायमेंशन स्टाइल आ चुकी है। उसके बाद बात करूंगा मॉडिफाई के अंदर। तो देखिए मॉडिफाई के अंदर जाके आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। प्राइमरी यूनिट्स की बात करें यहाँ पर, तो अभी आपके पास इंजीनियरिंग, और उसके बाद आप करें तो यहाँ पर प्रिसिशन 0.0 चल रहा है। बात करें टैक्सिंग की, तो टैक्सिंग की साइज को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर मुझे 1 फीट की टैक्सिंग चाहिए या 2 फीट की टैक्सिंग चाहिए, तो उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पर इसकी जो टैक्सिंग की जो फिट है वो यहाँ पर मैं लगभग 2 फीट के 1 फीट के आसपास रखना चाहूंगा। यस, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सिम्बल्स के बारे में, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर रेड, इसको येलो करते हैं, और इसकी जो साइड एक्सटेंशन लाइन है इसको रेड करते हुए ओके करके सेट करंट करके सिंपल सा आपको ये क्लोज करना है। किस तरह से करना है ये सभी आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझाया था कि डायमेंशन स्टाइल को किस तरह से आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? फिर आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट चूज करते हुए आप इसे एडजस्टेबल कर सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल जेड करते हैं बिकॉज आपकी जो डायमेंशन स्टाइल है वो इलेक्ट्रिकल में जा चुकी है, और डायमेंशन के नाम से हमने एक वीडियो बना रखा है यहाँ पर लेयर। क्लियर? तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो यहाँ पर लेयर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर, तो आपने दे दिया 50 फीट। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो ये है आपके पास 40 फीट, बट हम यहाँ पर रूम का मेजरमेंट करेंगे, 40 फीट आगे से मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो रूम की जो साइज है वो यहाँ से सेलेक्ट करते हुए, इधर वाले पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं इसको अच्छा लेयर को फिर से सेलेक्ट करता हूँ, डायमेंशन के ऊपर रख लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसको इस पॉइंट से लेते हुए, इस पॉइंट को करते हुए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 40 फीट। ओके, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए मेरे का जो इनसाइड रूम है मैं उसकी डायमेंशन को एक तरफ दूंगा, तो आप वैसे भी ले सकते हैं, या फिर देखिए आप यहाँ पर टैक्सिंग के अंदर भी डाल सकते हैं। टैक्सिंग के अंदर किस तरह से डालेंगे वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पर सीख लीजिए किस तरह से यहाँ पर आप यूज करते हुए इसको यूज कर सकते हैं। तो 11 फीट मैंने ले लिया है, उसके बाद मेरे को आगे की सारी डायमेंशन भी मेजरमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास एनोटेशन विंडो में जाऊंगा, एनोटेशन विंडो में जाके आप इसे यहाँ पर कंटिन्यूस डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यूस डायमेंशन के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, आप यहाँ पर जो लगातार आपकी जो डायमेंशन चल रही है, जिसकी बात करूँ यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, उसके बाद बात करूँ फिर से, तो आप इस तरह से अपने डायमेंशन को एडजस्टेबल कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आपने देखा कंटिन्यूस डायमेंशन से किस तरह से फर्क पड़ रहा है। ओके, अब बात करें यहाँ पर, तो इस तरफ से भी आप इसको चूज कर सकते हैं। जैसे बात करूँ यहाँ पर, तो आप इसको इधर भी कंटिन्यूस डायमेंशन का यूज करते हुए आपकी डायमेंशन है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीनियर डायमेंशन के थ्रू आपके जो यहाँ पे डायमेंशन है उसको यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूस डायमेंशन का, और कंटिन्यूस डायमेंशन को चूज करते हुए देखिए आप इस तरह से अपने जो डायमेंशन है उसको यहाँ पर आप बेसिकली मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यूज करेंगे। ओके, अब देखिए आपको बात सीख ली, बात करें तो आपके पास ये भी डायमेंशन आपको मेजरमेंट करनी थी, तो वो भी आप यहाँ पर कंटिन्यू डायमेंशन का यूज करते हुए मेजरमेंट कर सकते। ओके, तो ये आपके पास मिल गई है। अब बात करें इस तरफ की भी डायमेंशन आपको मेजरमेंट करनी है,
तो अब देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, ये जो रोड वाले जो सेक्शन है इसको मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा। तो मैं रोड को अनफ्रीज कर देता हूँ, उसके बाद बात करूं यहाँ पर, आपको यहाँ पर फर्नीचर की अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं फर्नीचर को अनफ्रीज कर देता हूँ। बात करूँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी अनफ्रीज करता हूँ, उसके बाद बात करी जाए तो आपके पास जो अनफ्रीज करने के लिए है मैं उनमें से देखूंगा। तो डायमेंशन हो गई, सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट ओके। डोर को रहने देते हैं, ये डोर की साइज को हमें मेजरमेंट करना है और डोर को एक्चुअल में इस क्लोज कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर मैं डायमेंशन को फिल करता रहूंगा ओके। तो यहाँ पे डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा, डायमेंशन को सिलेक्ट करते हुए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद बात करूंगी इस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बात करें तो ये डायमेंशन आपके अकॉर्डिंग डायमेंशन क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपने जब यहाँ पर मेजरमेंट किया था तो आपने 6 इंचेस का जो आपने जो रूम का जो यहाँ पे गैप लिया था वो आपने इनसाइड ले लिया, उस वजह से आपका जो इंटरनल रूम है वो थोड़ा सा यहाँ पर स्मॉल हो चुका है, उस चीज का आपको ध्यान होगा क्लियर। क्योंकि आपने जो यहाँ पर 6 इंचेस की आपने जो दीवार क्रिएट की है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे, जस्ट मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर शो करके, देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर जो डायमेंशन लिया है आपने, बेसिकली बात करें तो वो जो डायमेंशन है आप इंसर्ट ली तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो वर्किंग है वो सही हो रहा है। बट बात करेंगे यहाँ पर कि आपने ये जो बीच में गैप लिया ना 6 इंचेस का, इसकी वजह से आपका ये जो रूम है वो 15 फीट का नहीं रखे, 15.8 इंच का हो गया क्लियर। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पे डोर की, तो डोर की भी डायमेंशन हमें मेजरमेंट करनी है, तो लीनियर डायमेंशन का यूज करते हुए मैं इसके डायमेंशन को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। 4 फीट का जो डोर है वो मुझे मिल गया है। उसके बाद बात करें फिर से तो आप प्रेस स्पेस बार को यहाँ पे प्रेस करते हुए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ओके। तो देखिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ओके। फिर बात करूंगी यहाँ पे भी डायमेंशन चाहिए आपको, तो ये रही है आपकी डायमेंशन, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर भी, तो ये भी आपको डायमेंशन चाहिए, काम करते हैं, सभी को डिलीट करते हैं ओके। और एक मेन लंबी लीनियर डायमेंशन को मेजरमेंट कर लेते हैं ओके। तो कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा लीनियर डायमेंशन हम यूज कर चुके हैं तो इसको एज इट इज रहने दो क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे सब चीजें यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, तो देखिए मैं होम में जाऊंगा, यहाँ पर टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट वाला विंडो चूज करूंगा, तो ये मेरा टेक्स्ट वाला विंडो हो चुका है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर मल्टीलाइन टैक्सिंग को यूज करूंगा, तो मल्टीलाइन टैक्सिंग को आप यूज कर रहे हैं और मल्टीलाइन टैक्सिंग को यूज करते हुए देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टैक्सिंग कर देता हूँ अपने यहाँ पर एक कॉर्नर पे, फिर उसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी चाहे वहां अपनी जगह पर प्लेस कर सकता हूँ क्लियर। और ये जो टैक्सिंग है इसकी जो साइज है मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 1 फिट की ले रहा हूँ कम से कम ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 फिट ले लिया टैक्सिंग की हाइट को, 1 फिट का ले लिया है मैंने टैक्सिंग की हाइट को, एंटर ओके। तो कुछ इस तरह से मेरी टैक्सिंग हाइट हो चुकी है टैक्सिंग मल्टीलाइन टैक्सिंग सिलेक्शन एंटर। उसके बाद बात करें यहाँ पर टैक्सिंग के अंदर, तो 1 फिट्स। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी भी टैक्सिंग है वो कर दूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हॉल के लिए टैक्सिंग, तो हॉल के लिए टैक्सिंग की यहाँ पर क्लोज एडिटर ओके। तो ये मेरा हॉल आ चुका है ओके। अब इसको यहाँ पर आप चाहें तो इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले मैंने देखा यहाँ पर कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्सिंग करने पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी जो स्पेस है वो यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो यहाँ पर मैं इसकी टैक्सिंग की जो साइज है इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा जो हॉल है वो थोड़ा सा दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं 1.5 इंचेस और एंटर क्लियर। ये टैक्सिंग अपनी सही है।
उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, तो इसको ब्रेक करके कैपिटल एच कर देते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको क्लोज एडिटर। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी करूंगा ताकि ये सब जगह मुझे केवल एडिटिंग ही करनी पड़े, ताकि ये जो टेक्स्टिंग की जो साइज है वो सेम रहे। तो एक तो हॉल के लिए मेरे पास हॉल हो चुका है, बात करूंगा किचन के लिए, यहाँ पर मेरा रूम है, उसके बाद बात करूँगा फिर से ये मेरा रूम है, उसके लिए बात करूंगा यहाँ पर, तो इस तरफ भी मेरा रूम है, इस तरफ बात करूंगा तो ये मेरा टॉयलेट है। तो बेसिकली ये इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और ये मेरी लॉबी है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर भी लॉबी के लिए सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। ओके, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, सिंपल सा। ओके, अब बात करूंगा सबसे पहले इस तरफ की, इसको टेक्स्टिंग एडिटिंग करते हैं और इसको हटा देते हैं, और इसकी जगह मैं सिंपल सा ROOM रूम एंटर कर देता हूँ, क्लोज। इसको भी एडिटिंग करते हैं यहाँ पर, तो इसको लेता हूँ सेलेक्ट ROOM, इसीलिए बात करें तो आपके लिए कैपिटल R लिखना था यहाँ पर, तो कैपिटल ROOM क्लोज, ठीक है। बात करूँ ये भी आपके पास रूम है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ROOM रूम डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ओके, इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या है, टॉयलेट है, तो उसके लिए TOILET टॉयलेट एंटर किया। इसको कर देते हैं डिलीट, और इसको कर देता हूँ रोटेट, आर ओ एंटर रोटेट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, यस, उसके लिए एंटर, इस पे से पॉइंट, ओके, कॉपी, सीओ कॉपी कमांड सेलेक्ट करूंगा, जो पे सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और उसके बाद देखिए ये मेरा बेस पॉइंट यहाँ से उठाते हैं। ओके, एंटर, रूम हो चुका है, हॉल हो चुका है, अब बात करें ये वाला, तो ये इसके लिए हम बनाएंगे लॉबी, तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ लॉबी, LOS कैपिटल LOOBY, यस कैपिटल LOOBY लॉबी, क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर, ये मेरा किचन एरिया है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, उसके लिए क्या लिखूंगा यहाँ पर, KITCHEN किचन एरिया, क्लोज कर देता हूँ, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारी चीजें लिख सकते हैं। उसके अलावा बात करूंगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जहां मूवमेंट देना चाहे वहां पर इसको मूवमेंट दे सकते हैं, क्लियर, क्लोज है। ओके, तो ये सारी चीजें हो चुकी है आपके पास। अब देखिए जो भी आपके पास लेयर थी जिससे आपने यहाँ पे अनफ्रीज किया, तो इसको आप यहाँ पर वापस फ्रीज कर दीजिए, क्लियर। तो इस तरह से आप इन सभी चीजों का यूज करते हुए अपने जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो भी चाहें, जिसका प्रिंट चाहें वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं देखिए बेसिकली जो रोड सेक्शन है इसको यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सब चीजें। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, अपना जो यहाँ पर एरिया है वो आप अकॉर्डिंग ले सकते हैं, फिर आप जिसका चाहें उसका प्रिंट आप बेसिकली निकाल सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर और भी मल्टी लेयर जैसे बनाना चाहते हैं वैसे आप अपनी लेयर बना सकते हैं, और चीजों को यूज करते हुए आप यूज कर सकते हैं। जैसे बात करूँ ये मेरे जो आपके पास ये वाली जो चीज है, कार है, मुझे इसको मेरे को अदर्स में डालना है, एक्स्ट्रा में डालना है, तो मैं एक्स्ट्रा में डाल सकता हूँ बेसिकली। और इसका जो कलर्स है बेसिकली बात करूँ तो मैं इसका लाइट ग्रीन कलर कर सकता हूँ, और ओके करता हूँ तो ये मेरी लाइट ग्रीन की कलर की कार हो जाएगी बेसिकली। तो इस तरह से आप अपना जो प्रोजेक्ट है बेसिकली पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके अंदर और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ आपने जो एक्सटर्नल डायमेंशन दी है वो एक्सटर्नल डायमेंशन नहीं देते हुए आप यहाँ पर टैक्सिंग के अंदर भी डायमेंशन दे सकते हैं। क्लियर, टैक्सिंग के अंदर डायमेंशन कैसे देनी है, 11 फीट बाय 10 फीट आप इस तरह से डाल सकते हैं। क्लियर, उसके बाद अगर 10 फीट बाय 10 फीट का रूम और डाल सकते हैं आप यहाँ पर। क्लियर, तो इस तरह से और भी चीजें आप डाल सकते हैं, प्लस डोर विंडो यहाँ पर डाल सकते हैं। पर्टिकुलरली बेसिकली बात करें यहाँ पर तो आप इसके अंदर और भी जितने चाहें उतनी चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा यहाँ पर किस तरह से यूज करना है। अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं लेयर के अंदर जाऊंगा, लेयर के अंदर जाने के बाद मेरे को जिस प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रिंट कराना है मैं उस चीज को प्रिंट करवा सकता हूँ बेसिकली। देखिए हमारे पास जो प्रिंट ऑप्शन है उसके अंदर आपको प्लॉट ऑप्शन मिल जाएगा। जिसको ऑप्शन को मुझे प्लॉट नहीं करवाना है मैं उसे प्लॉट नहीं करवाऊंगा, और जिसको मुझे प्लॉट करवाना है मैं उसको प्लॉट करवा दूंगा, और जिसको मुझे देखना है, जैसे कि मैं बात करूं मेरे को केवल यहाँ पर केवल जो वॉल है आपकी वही मुझे दिखनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा विंडो को फ्रीज कर दूंगा, टेक्स्ट को फ्रीज कर दूंगा, यस,
आपको टैक्स को फ्रीज कर सकते हैं। उस तरह बात करें तो फिर आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं जीरो को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर, तो ये मेरी जो लेयर है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लेयर को सिलेक्ट करते हुए यस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो केबल डायमेंशन वगैरह टैक्स और वॉल को भी यहाँ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए वॉल को फ्रीज करना है, वॉल को फ्रीज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें वॉल को अनफ्रीज कर सकते हैं, और जो भी आपको यहाँ पर चाहिए, जैसे की बात करूँ यहाँ पर जीरो लेयर का चाहिए तो जीरो लेयर को रख सकते हैं। ओके, जैसे की बात करें केवल मुझे बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही चाहिए तो बेसिकली वो ले सकता हूँ। जैसे की बात करूँ यहाँ पर मुझे डोर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, यस एक्स्ट्रा की बात करूँ तो मुझे एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए। बात करें यहाँ पर फर्नीचर भी आपको यहाँ पर फ्रीज चाहिए, यस तो वो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे बात करूँ यहाँ पर रोड भी गायब करनी है, टैक्सिंग भी गायब करनी है, क्लियर। उसके बाद बात करूँ तो वॉल वगैरह आपको सिर्फ केवल वही दिखेगी, तो आप यहाँ पर वॉल का कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर डायमेंशन तो आपको चाहिएगी, फिर डायमेंशन के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे, तो डायमेंशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप चीज़ों को यूज कर रहे हैं, किस तरह से आप यहाँ पर बना रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को यूज किया जा रहा है, सब कुछ आपको आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा। आप इन्हीं चीज़ों का यूज करते हुए और भी अपने अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर, क्लियर। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।